तो मैं इसका जवाब मैं बृजमोहन जी से ही ले लेती हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं, तो आज मंच पर मौजूद होंगे बृजमोहन जी, अजित पवार। तो है इसकी क्यों जाएंगे वहां, क्योंकि सारे जो महायुति के वरिष्ठ नेता हैं उनको वहां आमंत्रित किया गया और हमारे प्रधानमंत्री जी चूंकि वहां रहेंगे और वो एनडीए के मुखिया हैं तो हमारे यहाँ के सारे लोगों की उपस्थिति वहां होगी, इसमें कोई मुझे इस पर कोई नई बात नहीं लगती है। जहां तक बात अभी राजीव भाई को मैं सुन रहा था, बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा है कि बहुत ज्यादा इधर से उधर आने जाने के कारण मतदाता को ये समझना बहुत मुश्किल जा रहा है कि अंत तो गतवा जिसको हम वोट देंगे वो जाएगा, पर मैं इसको दूसरे ढंग से देखता हूँ। ये जो चुनाव है ये व्यक्ति पूरक ज्यादा हो गया है, इसमें आदमी मतदान पहले करे, मतदान के पहले व्यक्ति को देखेगा और उसके बाद उसके पार्टी का मूल्यांकन करेगा। तो ये चुनाव तो निश्चित रूप से कठिन दौर है और इसमें जो अजीत दादा पवार का जो स्टैंड है या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है, आदरणीय कटेंगे बटे वाले मुद्दे पे योगी जी के बयान पर, तो उसमें हम लोगों का बहुत ही स्पष्ट मामला है। महाराष्ट्र का मतदाता धर्म निरपेक्ष मतदाता सेकुलर वोटर है, यहाँ पर धर्म पे बहुत कम मतदान होता है और इसका बहुत बड़ा पिछले जो चुनाव हुए हैं उसमें ओबीसी साहब ने कई जगह अपने प्रत्याशी खड़े किए थे और उनको हार का सामना करना पड़ा, तो ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। तो आदरणीय अजीत दादा ने ये जो मुद्दा उठाया है या जो ये बात कही है वो अपने गठबंधन के साथियों को कही है कि अगर इस मुद्दे पे यहाँ पर ज्यादा बात होगी तो उसका वांछित परिणाम हम लोग नहीं ले पाएंगे। वो गठबंधन का एक साथी होने के नाते ठाकरे यही तो कह रहे हैं, यही तो उद्धव ठाकरे ने कल बयान दिया कि ये बयान ये विपक्षियों को नहीं अपने गठबंधन को नसीहत दे रहे हैं अजित पवार कि बढ़ जाओगे तो कट जाओगे। इसी स्थिति में महायुति आ गई है क्या बृजमोहन जी? नहीं नहीं, ये मैं इसको आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब के बयान से नहीं जोड़ रहा हूँ। अजीत दादा पवार ने जो कहा है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि लगातार वो बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और महाराष्ट्र का उनको महाराष्ट्र के मतदाता की मानसिकता की उनके पास बहुत अच्छी पकड़ है, वो जानकारी रखते हैं। उसी आधार पर उन्होंने कहा है कि यदि ये बात ज्यादा चलेगी तो उसका वांछित परिणाम हमारे प्रत्याशियों को नहीं मिलेगा। तो अपने साथियों को सचेत करने की जिम्मेदारी तो है क्योंकि हम सब लोग एक नाव के सवार हैं और अगर कहीं किसी से कोई चूक हो रही है तो बताने का अधिकार भी है। मैं आपसे एक्चुअली जो कहना चाहता हूं, एनडीए के गठबंधन की यही सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ पर हम लोग आपस में एक दूसरे से खुल के विचार विमर्श करते हैं, यहाँ किसी पे दबाव डाल के कोई बात नहीं की जाती है और उस विचार विमर्श में हमारी जो पार्टी गठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं वो उस बातों का मूल्यांकन भी करते हैं और उसके ऊपर फिर आगे कार्रवाई भी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है आदरणीय अजीत दादा का जो कल का अपना जो बयान है, इसके पहले भी अजीत दादा ने कहा और राष्ट्रवादी कांग्रेस इसके पहले भी लगातार इस बात को कहती रही है कि महाराष्ट्र का मतदाता धर्म निरपेक्ष है, ये जाति और धर्म से अलग हटकर विकास को ज्यादा देखता है, ये उन नेताओं पे ज्यादा विश्वास करता है जो क्षेत्र के विकास के लिए काम करने वाले होते हैं। मुझे लगता है ये बात अपने साथियों को बताना बिल्कुल समयोचित है। अगर आज हम नहीं बताएंगे और कल वांछित परिणाम नहीं मिला तो फिर बात ये आएगी कि समय पे क्यों नहीं बताया था। तो मैं सोचता हूँ अजीत दादा पवार ने अपने इस दायित्व को पूरा किया है कल इस बात को कहकर।